गाइस हर्षित आज बना रहा है ये क्या बोलते हैं ऐसे जो भी बोलते हैं पकोड़े बना रहा है। और इसकी जो रेसिपी है इसमें कुछ खास नहीं है, वो इरेगुलर चीज़ें हैं। बट इट्स जस्ट दैट ये चीज़ है कि आज मम्मी बाहर गई हुई हैं और ये बनाया जा रहा है, और ये शायद एक सरप्राइज ही समझ लूँ मम के लिए। और पूरे दिन कुकिंग करता है, इसकी वजह से मेरे को हमेशा डांट पड़ती है कि मैं कुकिंग क्यों नहीं करती। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है कि फिर मम्मी बोलती है कि इससे सीख ले, इससे क्या सीखूँ, इससे मैं इसको खाने का मन है, इधर देख यहाँ पे देखो खाने का मन है इसलिए तो कर रहा है, हाँ राइट ठीक है ठीक है। ठीक है। और माँ मुझे बोलती है कि क्या कुछ भी होता है, क्या फर्क पड़ता है उस चीज़ से। बट गाइस प्लीज, एंड आप मेरी अब बकवास से बोर हो गए होंगे। मेरी मम्मी ये सीधा बोलते हैं कि जेंडर से फर्क नहीं पड़ता, खाना बनाना सबको आना चाहिए कोई भी सिचुएशन में, ठीक है। ऑफ कोर्स मैं ये नहीं बोल रही कि भाई हाँ वो सही तो बोलते हैं। आप इसमें ऑयल पुट करो अब और तेरे को इसको धो तो ले अब थोड़ा। तेरे को नहीं आता तो इसमें मेरी गलती ए नहीं है। चलना जल्दी करो यार, जल्दी करो जल्दी। मम्मी नहीं आ जाए हाँ बस। तो वही तो बोल रही हूँ, जल्दी कर। हाँ हाँ बस और वेट कर रहा गाइस हूँ तो मैं। फिर यही है, मैं आपको अब छोटी छोटी क्लिप्स इसकी स्नैपशॉट्स दिखा दूंगी, एंड दैट इज इट। एंड ओके गाइस, और मॉम का भी थोड़ा सा रिएक्शन दिखा दूंगी कि मॉम इसको तोड़ेंगी कि क्या करेंगी। ओके गाइस चलो ठीक है, तो बाय। गाइस देखो आधे काम ये मेरे से करवा रहा है और फिर पूरा क्रेडिट ये लगा कि इसने करा है। और देखो मैंने कितना बड़ा काम किया है, क्योंकि भाई गाइस कल परसों मतलब परसों नरसों मेरा एग्जाम है, ठीक है, और उसके बाद भी कितना जूम करेगा, और उसके बाद भी मेरे से काम करा रहा है, और इसका भी एग्जाम है, बट ये तो वेला है इसका, क्या है ठीक है। और मैं 12th में ऑफ मेरा कोर्स, सिलेबस कंप्लीट हो गया, इसका नहीं हुआ है, डिफरेंस ही है। तो कुछ डिफरेंस नहीं है गाइस, यही बात है कि इसको बस मेरे से काम करवाना गाइस था। हमने पूरी रेडी कर ली है सब कुछ, और एज यूजुअल हमने ट्रायल के लिए डाल दिया था पहले ही कि भाई हुआ कि नहीं हुआ, और ये चलो अब कोई ना बनाना यार, शुरू चलो कर। शुरू करते हैं। बस देखो बना दिया, शुरू कर दिया हमने। और किचन की हालत देख सकते हैं कि कितनी खराब है, क्योंकि ये जब कुकिंग करता है तो क्या ही बता सकते हैं हम। एटलीस्ट मैं कुकिंग करता अरे हूं, तू बना यार जल्दी कर, सुबह पनवेल निकलना है। काम करता। सो गाइज इतने मोटे मोटे तो आलू में पता नहीं कैसे हो जाएगा, इसको कुछ भी नहीं आता। और आई थिंक इसका जो मिक्सचर है जो भी है ये बहुत ऐसा लग रहा है, बहुत पतला हो गया है, एंड ये पकौड़े कम लग रहे हैं। पर चलो एक बार देख लेते हैं कैसे निकल के आएगा इसका, ऐसा रिजल्ट देख लेंगे इसका। नहीं ये क्या बन रहा है, ये नहीं, क्या बन रहा थोड़ा है। और बेसन मैंने डाल कहा लेंगे, था कि कोई गाइस कोई बड़ी बेसन बात नहीं है। बेसन कम है और बहुत कम है, क्योंकि भाई ये तो ऐसे लग रहा है जैसे एक बस लपेट के ऐसे कुछ भी कर दिया है। हाँ तो ठीक है, तो और ऐड कर रहे हैं और ये यहाँ पे बन रहा है। तो यू गाइस नो फर्स्ट टाइम एक्सपेरिमेंट जब करते हैं ना तो चेंजेस होते हैं थोड़े थोड़े, कोई बात नहीं। ऑफकोर्स चीजें सीखने से आती हैं, यस वही तो बोल रहा दीदी, चीजें सीखने से आती हैं कि अगर चलना तू करना, तू है किस लिए। दोनों चीजें मैनेज करता हुआ हर्षित, इसने फ्राइज बना दिए और कुछ नहीं है ये, हो जाएंगे, कोई बड़ी थोड़ा बात नहीं गाढ़ा है, कर दे इसको मिक्स। हो देखो गया। मैं गई, देखो मैं सजेस्ट कर सकती हूँ कि कैसे करना है, पर इसके हाथ खराब है तो मैं इससे बोल रही हूँ कि तू ही कर ले, मैं क्यों करूँ, अपने हाथ ऑफ गंदे कोर्स क्यों ऑफ करूँ, कोर्स ऑफ कोर्स, मेरे को आता सब कुछ है बस मैं बिल्कुल करती आता नहीं हूँ है, वही गाइस, तो करती नहीं है ना, क्यों नहीं करती। क्योंकि आता जब सब कुछ है तो हर चीज करने की क्या जरूरत है। सॉरी गाइस ये तो मैं ऐसे ही मजाक में बोल रही हूँ, सबको अपना घर पे काम करना चाहिए, क्योंकि मैं भी अपना सारा काम करती हूँ। आपको एक कुछ चीज दिखाऊं मैं, देखो क्या बना लिया, क्या खुशबू बना आ रही है लिया मुझे तो, कुछ लाइन ऑन करो। पकोड़े में कुछ अच्छा रिएक्शन दो ना, अच्छा रिएक्शन नहीं तो गंदा रिएक्शन दो कुछ, नहीं गंदा नहीं है, बढ़िया वाला बना रहा है एकदम। मुझे पता था यही देंगी, अच्छा नहीं दे सकती कुछ, वीडियो ना रही हूं तो मैं एक मस्त बना रहा है एकदम ऐसे करके, देखो गाइस मॉम एप्रेन पहना रही और है, क्योंकि इसने सारी चीज पूरी मेरी हुडी फैला रखी है, गंदी कर दी है, देख सारी मुड़ी तूने गंदी कर ली सच में, और इसको खांसी हो रही है और ये फिर भी बना रहा है खांसी हो क्योंकि ये रही गधा तेरी है। पकौड़ी और किचन मॉम मेरे को बोल रही है कि तुम खांसी हो रहे हो तो भी बना रहे हो पकौड़े। अरे मैं थोड़ी बोल रही हूँ, ये आपका हाल है और हर्षित का हाल है, और मैं तो यहाँ से बेहाल थी मैं यहाँ से थी देखो नहीं, इसमें आपसे ये फिर से आऊँ पहला स्लॉट आया है। और इस लॉट पता नहीं क्या कीड़े मकोड़ों जैसा है, पर अच्छा है एनीवेज। तो अब ये नेक्स्ट बना रहा है और ऐसे करते करते बहुत सारे बनाएगा, उसके बाद अच्छी रिप्रेजेंटेशन हम देंगे खाने की। ओके बाइस, ओके गाइस बाइस, दूसरा स्लॉट है इसका, और ये ऐसे करते करते बहुत सारे बना लेगा और फिर हम खाएंगे फिर बस। मैं हलवाई बन जाऊंगा, पैसे कमाऊंगा। ये देखो गाइस ये बन चुके हैं, और इसके बाद इतना सा पेस्ट बाकी है, क्योंकि इसने पता नहीं गिने चंद करके चंद चंद सा पेस्ट बनाया था इसने, और इसने अभी और अब हमें बनाना पड़ेगा, क्योंकि ऑफकोर्स सब लोग नहीं खा पाएंगे इतना सा। तो आज मैं सौरभ जोशी बनी हुई हूँ तो गाइस चलो हम खाते हैं अभी, उसको पहले हम रिप्रेजेंट करते हैं, आफ्टर दैट वी विल हैव इट। ओके ओके गाइस लेट्स सी कैसे लगेगा ये रिप्रेजेंट करके। दिस इज हाउ इट इज एक्चुअली लुकिंग राइट नाउ, और
ये अच्छा तो लग रहा है काफ़ी। और इसके अंदर हम ना ये सारी चीज़ें ऐड कर लेते हैं, पहले चाट मसाला ऐड कर लेते हैं। मतलब ये जो हम ऐड करते हैं तो मतलब बहुत टेस्टी लगता है, ऊपर से इसको नमक छिड़क लो तो भाई, सॉरी नींबू छिड़क लो तो भाई फिर और ही ज़्यादा अच्छा लगता है। एंड मैंने मस्त तरीके से सब छिड़क लिया और यहाँ पे नींबू डाल रही हूँ। अब देखो मैं अकेले व्लॉग कर रही हूँ, थोड़ा थोड़ा सा डिफिकल्ट है करना विदाउट एनी स्टैंड एंड ट्राईपॉड। तो देखो गाइस ये हो चुका है एकदम छकास, ये रेडी है। और ये देखो अब आपको स्नैपशॉट दिखा, तो ये हमारा ये पूरा यहाँ पे रखा हुआ है। और ये देखो ये मॉम खा रही, तो इन सबको हटाओ, टेस्ट खा करके बताओ, खा रही है बोल रही हूँ मैं, टेस्ट करके बताएंगी मॉम की कैसा बना है। तो देखो मॉम बताओ, पहले मैं भोग लगा दूँ? ऑफ कोर्स। अब मस्त बने, मस्त है, सच में मस्त है। मैं भी टेस्ट करके देख लेती हूँ इसी बात पे, कहीं उल्लू ना रही हो तो। मैं गाइस मैं आपको एकदम ट्रू रिव्यू दूंगी क्योंकि मॉम झूठ बोलती रहती हैं कभी कभी। सही है, बट थोड़ा नमक थोड़ा कम लग रहा है मेरे को। अच्छे वैसे ओवरऑल 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 क्या बोलते हैं उसे, अच्छे लग रहे हैं मतलब, सही है। ज़्यादा सॉस के साथ खाने में मज़ा नहीं आ रहा, बट नॉर्मल खाओ तो मस्त है। पकौड़े तो बड़े मस्त बनाए। और मैं गई थी बाहर कुछ काम से और मैं आई हूँ तो अंदर आके क्या देख रही हूँ, दोनों लगे हैं पकौड़े बनाने में, फ्राई हो रहे हैं पकौड़े। और मैंने मेरे पीछे से ऐसे ऐसे कांड करते हैं लोग। मैंने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन भी किया है ठीक है इसके अंदर। मैंने जैसे इसके अंदर नमक डाला है, नींबू डाला है और बहुत सारे काम किए हैं, जैसे तेल डाला है। तो ऐसे छोटे मोटे काम नहीं है, बड़े बड़े काम मैं करती रहती हूँ। सही है सही है। और मैं कुकिंग कौन कर रहा है वो तो आप लोगों को दिखाई दे रहा है, और मैं आपको दिखाती हूँ कि इसको भी टेस्ट कराई देती हूँ, बना रहा है बेचारा। चले तू भी खा ले, मेरी हाइट थोड़ी छोटी है तो कैमरा भी थोड़ा। अब दिखाती हूँ देखो कैसा लगा, ठीक ही है ना? सही बताऊँ मॉम जैसे तो नहीं है, पर अगर मैंने पहली बार बनाया तो उस हिसाब से मेरे को अच्छे लगे। हाँ अच्छे थे उस हिसाब से। तो गाइस चलो ठीक है, तो इसी बात पे ओके बाय बाय टाटा। तो आज है अमावस और मैंने सुबह का सारा क्लीनिंग वगैरह का सारा काम कर दिया, डस्टिंग का। और डस्टिंग तो साथ साथ करती रहती हूँ, खाना भी बन गया क्योंकि पितरों का आज भोग लगाना था, पितरों का खाना बनाया तो सब्जी खीर रोटी बना दी है मैंने। और यहाँ पे मैं अभी ये तैयार कर रही हूँ अग्यारी, तो पूजा करूंगी फिर मैं जाके भोग लगाऊंगी और उसके बाद फिर मेरा सारा काम किचन को और क्लीन करना है। फिर उसके बाद मैं आज बर्थडे है किसी का और बताऊंगी बाद में किसका है, उसके लिए केक बनाना है मुझे, तो ये सारा काम करके उसके बाद बनाऊंगी। तो अभी केक बन रहा है मेरा, ये देखिए। और इधर रखिए मैंने पाव भाजी बनने के लिए, अभी तो बॉईल हो रही है सब्जियां, उसके बाद बनाऊंगी पाव भाजी को, पहले केक तैयार करके रख। तो केक तो हमारा हो गया रेडी, अभी खाना रेडी करते हैं। तो अभी बना रही हूँ पाव भाजी और सब्जियां तो पूरी बॉईल कर ली है मैंने, अभी प्याज डाल दिया मसाला भून के, अभी फटाफट से बना दूंगी क्योंकि सब्जियां पकाने के बाद में ज्यादा टाइम नहीं लगता पाव भाजी बनने में। अभी तब तक टमाटर पकेंगे और इसमें भी पाव भाजी मसाला और मसाले ऐड करूंगी थोड़े, तब तक इसको मैं अच्छे से बारीक कर लेती हूँ। इसमें पाव भाजी मसाला, अभी डालेंगे इसमें हमने जो सब्जियां अपनी बॉईल करके रखी हैं उनको और पानी। तो पाव हमारे बन चुके हैं, तो पाव भाजी तो बनके हो गई तैयार। अभी ये लोग खा लेंगे बच्चे, फिर बाद में केक कट करेंगे। कौन खाए? रुक जा, मेरा हाथ कुछ अंडवास, रुक जा।
तो अभी हम लोग आए हैं बर्थडे में, और ये देखिए यहाँ पे पूरा रूम डेकोरेट किया हुआ है बर्थडे का। मेरी फ्रेंड है, उनके बेटे बेटा है, काफ़ी दिनों में हुआ है, 10 साल से भी ऊपर मतलब में हुआ है, और उसका पहला बर्थडे, तो वहीं पे हम सभी लोग आए हुए हैं और भी बाकी सभी फ्रेंड हैं, तो अभी हम यहाँ पे बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। आज की वीडियो आपको मेरी कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। ओके फ्रेंड, बाय बाय।